नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचाना मुझे, मैं हूँ आपका दोस्त प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स के बारे में। तो मैं कोई भी टाइम पास ना करते हुए चलता हूँ वीडियो की तरफ। लेट्स बिगिन। सो गाइस, देखो पहले हम बात करते हैं वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स एक कंटेनर है जिसके अंदर हम कुछ वैल्यूज को स्टोर कर पाते हैं। ओके, तो इसके बारे में हमने डिटेल में बात कर रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में मैं वीडियो को डाल दूंगा, वो वीडियो जाके चेक कर लेना। ओके, तो उसके बाद बात करते हैं लोकल एंड ग्लोबल के बारे में। थोड़ी देर के लिए वेरिएबल्स को हटा दो, इन दो शब्द के ऊपर, इन दो वर्ड्स के ऊपर ही अपना ध्यान केंद्रित करो। ओके, तो पहले बात करते हैं लोकल एंड ग्लोबल क्या है। देखो, लोकल का अगर हम मीनिंग देखने की कोशिश करें हिंदी में तो उसका मतलब होता है स्थानिक, राइट? मतलब कि लोकल, एक गांव में, एक शहर में अगर किसी व्यक्ति का इम्पैक्ट है तो वो लोकल कहलाएगा, राइट? और ग्लोबल मतलब कि ग्लोबली एक्सेप्टेड, ग्लोबली रिकग्नाइज, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, विराट कोहली, सुनील गावस्कर, राइट? इनको जो है वो सारी दुनिया जानती है, राइट? वो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड है। डिफरेंस समझ में आ रहा है ग्लोबल और लोकल में? एक कोई व्यक्ति है जिसको सिर्फ लोकली लोग जानते हैं, राइट? स्थानिक लोग जानते हैं तो उसे हम कहेंगे वो लोकल है, राइट? और एक व्यक्ति है जिसे पूरी दुनिया जानती है तो वो हो गया ग्लोबल, राइट? दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? लोकल यानी कि स्थानिक और ग्लोबल यानी कि ग्लोबली एक्सेप्टेड, क्लियर? तो उसके बाद अब देखो वेरिएबल्स में इसका क्या इम्पैक्ट है, वेरिएबल्स में इसका क्या काम है, वो हम देखते हैं आगे। ओके, तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख लेता हूँ। ओके, पहले स्टार्ट करते हैं हैश इंक्लूड के साथ, यानी कि मैं हेडर फाइल को इंक्लूड कर लेता हूँ, आईओ स्ट्रीम। ओके, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ इंटीजर ए नाम का। ओके, जिसमें सपोज की 5 वैल्यू स्टोर होगी। ओके ओके, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन को तैयार कर लेता हूँ। ओके, तो void, उसके बाद फंक्शन को मैं नाम देता हूँ रन। ओके, उसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग करली ब्रैकेट। ओके, और इसके अंदर मैं अगेन एक और वेरिएबल को डिक्लेयर कर देता हूँ इंटीजर बी। ओके, जिसमें वैल्यू होगी 10। ओके, तो अब यहाँ पे जो है मैं क्या करता हूँ, बी वेरिएबल को प्रिंट कर देते। ओके, तो सी आउट और बी। ओके, और मैं क्या करता हूँ, ए वेरिएबल को भी फंक्शन के अंदर ही प्रिंट कर लेते। ओके, सी आउट ए। ओके, अब अगर मैं इस फंक्शन को कॉल लगाऊँ मेन फंक्शन के अंदर, तो मैं यहाँ पे मेन फंक्शन बना लेता हूँ इंटीजर मेन। ओके, अगर मैं इंटीजर मेन के अंदर इस फंक्शन को कॉल लगाऊँ तो क्या होगा, ये दो वेरिएबल्स जो है वो प्रिंट हो जाएंगे, राइट? पहले बी प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 10 आपको मिल जाएगा आउटपुट स्क्रीन पे, और उसके बाद ए प्रिंट हो जाएगा, राइट? समझ रहे हो? देखो अब यहाँ पे ए जो है ये है ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल यानी कि इस ए का इम्पैक्ट जो है वो पूरे प्रोग्राम में है, राइट? इस ए का यूज़ हम पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी कर सकते हैं, चाहे वो फंक्शन में हो, चाहे वो इंटीजर मेन में हो, या फिर कहीं पे भी हो, राइट? बेसिकली ये दो ही जगह होती है, मतलब कि फंक्शंस के अंदर ही हम काम करते हैं। ओके, तो ए का जो इम्पैक्ट है वो पूरे प्रोग्राम में है, समझ में आ रहा है? ओके, और ये बी जो है ये है आपका लोकल वेरिएबल। ओके, तो इसका इम्पैक्ट जो है आपके फंक्शन में ही है, मतलब कि वो वेरिएबल जिस फंक्शन में हमने डिक्लेयर कर दिया है उसी फंक्शन में उसका काम सीमित है। ओके, तो अगर मैं इंटीजर मेन में सी आउट करूँ और मैं यहाँ पे ए कर दूँ, यानी कि इस ग्लोबल वेरिएबल को डिस्प्ले करने की कोशिश करूँ तो वो हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे करने की कोशिश करूँ सी आउट बी, तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है, ये सिर्फ इस रन फंक्शन के लिए ही डिफाइन किया गया था। समझ रहे हो डिफरेंस क्या है ग्लोबल या लोकल वेरिएबल में? तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है जो कि है स्कोप ऑफ अ वेरिएबल, स्कोप ऑफ अ वेरिएबल। अब देखो एक वेरिएबल प्रोग्राम में किसकी जगह पे इम्पैक्ट करता है, किसकी जगह पे हम उसका यूज़ कर पाते उसे हम कहते हैं स्कोप। मतलब कि अगर हम इस लोकल वेरिएबल की बात करें तो ये लोकल वेरिएबल हम सिर्फ फंक्शन के अंदर ही यूज़ कर पाते, तो इस वेरिएबल का जो स्कोप है वो विद इन अ फंक्शन है, राइट?
और हम बात करें इस ग्लोबल वेरिएबल की, तो ग्लोबल वेरिएबल का जो स्कोप है, ग्लोबल वेरिएबल को हम कहाँ कहाँ पर यूज़ कर पाते हैं, तो पूरे प्रोग्राम में यूज़ कर पाते हैं, राइट। तो इस ग्लोबल वेरिएबल का जो स्कोप है वो पूरा का पूरा प्रोग्राम है, राइट। पूरे के पूरे प्रोग्राम में मैं इसे कहीं पर भी यूज़ कर पाता हूँ, राइट। तो इसे कहते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल कहाँ पर यूज़ होगा प्रोग्राम में, उसे हम कहते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल। ओके, तो अब समझ में आ रहा है कि लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल क्या है। ग्लोबल वेरिएबल क्या है कि हम उसे पूरे प्रोग्राम में कहीं पे भी यूज़ कर पाते, बट लोकल वेरिएबल हम यूज़ कर पाते सिर्फ और सिर्फ किसी फंक्शन में या फिर किसी पर्टिकुलर जगह पर, राइट। समझ पा रहे हो? ओके, तो यहाँ पे अगर मैं एक केस ऐसी लूँ कि यहाँ पे मैं दोनों लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स के नाम एक कर दूँ तो क्या होगा, देखते। ओके, देखो यहाँ पे क्या है, इंटीजर a इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे क्या है, इंटीजर a इज इक्वल टू 10। बट डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ये ग्लोबल वेरिएबल है और ये एक लोकल वेरिएबल है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ सी आउट a तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आता है कि कौन सी वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होगी, इस लोकल वाली या ग्लोबल वाली। तो ऑब्वियसली लोकल वाली, क्योंकि लोकल को यहाँ पे प्रेफरेंस होता है, राइट। लोकल यहाँ पे पहले यूज होता है, तो अगर मैं यहाँ पे सी आउट ए कर दूँ तो ये 10 प्रिंट हो जाएगा ना कि 5। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अगर लोकल एंड ग्लोबल दोनों वेरिएबल्स के नाम एक ही है और अगर मुझे यूज़ करना है फंक्शन में, तो क्या होगा, जो लोकल वेरिएबल है उसका यूज़ होगा, वो ऑटोमेटिकली यूज़ में आएगा, राइट। ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ हम इसके अंदर नहीं कर सकते। ओके, बट अगर मैं चाहता हूँ कि ग्लोबल वेरिएबल का हम यूज़ कर पाए फंक्शन में दोनों के नाम सेम होने के बावजूद, तो मुझे यहाँ पे एक ऑपरेटर है हमारे पास जो है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, इसका यूज़ करके मैं फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ कर पाता हूँ। ओके, वो कैसे देखते हैं, मैं यहाँ पे सी आउट कर देता हूँ और उसके बाद स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और उसके बाद तो ग्लोबल वेरिएबल का नाम जो कि है ए। तो अब इस केस में क्या होगा, हमें आउटपुट पे 5 मिल जाएगा, राइट। तो अगर मैं इस फंक्शन को कॉल लगाता हूँ तो क्या होगा, पहले ये जो ग्लोबल वेरिएबल है उसकी वैल्यू डिस्प्ले हो जाएगी, उसके बाद लोकल वेरिएबल 10 उसकी वैल्यू एक्सेप्ट डिस्प्ले हो जाएगी, राइट। तो समझ में आ रहा है कि अगर लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स के नाम सेम है और अगर आपको यूज़ करना है ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन में, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। ओके, तो समझ में आ रहा है, चलो तो क्विक रिवाइज करते हैं। देखो लोकल वेरिएबल क्या है, अगर आप किसी भी वेरिएबल को किसी फंक्शन में यूज़ कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, राइट, तो वो उस फंक्शन का लोकल वेरिएबल है, राइट। और अगर मैं किसी वेरिएबल को आउटसाइड द फंक्शन डिफाइन कर दूँ, राइट, तो वो बन जाएगा आपका ग्लोबल वेरिएबल, जिसका इम्पैक्ट जो है, जिसका स्कोप जो है वो पूरे के पूरे प्रोग्राम में होता है, राइट। और अगर आपके लोकल एंड ग्लोबल दोनों वेरिएबल्स के नाम एक ही है और अगर आप चाहते हो कि ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ करना फंक्शन में, तो आप यूज़ करते हो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का, ये ऑपरेटर बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि ये प्रैक्टिकली कैसे हो पाता है। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ओके, तो मैं यहाँ पे पहले नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ लोकल एंड ग्लोबल डॉट cpp। ओके, उसके बाद क्या करते हैं, हेडर फाइल डाल देते। ओके, आई शुड इंक्लूड आई यू स्ट्रीम। ओके, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे पहले मेन फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ इंटीजर मेन, उसके अंदर रिटर्न 0। ओके, तो पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं जो कि होगा ग्लोबल वेरिएबल। ओके, तो इंटीजर a जो कि होगा एक ग्लोबल वेरिएबल। ओके ओके, तो ग्लोबल वेरिएबल मतलब कि इस वेरिएबल का यूज़ हम पूरे प्रोग्राम में कहीं भी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक फंक्शन को क्रिएट कर लेते void run। ओके, और जिसके अंदर हम क्या करेंगे, लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, तो इंटीजर b इज इक्वल टू 10। ओके, तो ये बन जाएगा हमारा लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल मतलब कि ये वेरिएबल इस फंक्शन के लिए ही काम करेगा, इस फंक्शन के बाहर हम इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। ओके,
तो उसके बाद क्या करते हैं, सी आउट कर देते हैं दोनों वेरिएबल्स को फंक्शन के अंदर ही। ओके, पहले मैं बी को प्रिंट कर लेता हूँ, मतलब कि लोकल वेरिएबल को एंडल। ओके, उसके बाद सी आउट और ए यानी कि ग्लोबल वेरिएबल। ओके, उसके बाद एंडल। ओके, तो अब प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं। ओके, उसके पहले मुझे कॉल लगाना होगा फंक्शन को, तो रन। ओके, अब क्या करते हैं, सेव कर लेते और रन कर लेते। अब देखो 10 और 5 प्रिंट होके आ चुका है, मतलब कि पहले बी यानी लोकल वेरिएबल प्रिंट हो गया, उसके बाद ए यानी कि ग्लोबल वेरिएबल को भी इसने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कि उसका हमने यूज़ कर लिया फंक्शन के अंदर। ओके, तो आप क्या करते हैं, देखते हैं कि ये बी जो लोकल वेरिएबल है उसका हम यूज़ कर पाते फंक्शन में या नहीं। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सी आउट, उसके बाद बी, उसके बाद एंडल। ओके, मतलब कि मैं यहाँ पे क्या ट्राई कर रहा हूँ कि एक लोकल वेरिएबल दूसरे फंक्शन में हम यूज़ कर पाते हैं या नहीं। ओके, मतलब कि उस फंक्शन के बाहर हम उसे यूज़ कर पाते हैं या नहीं। ओके, प्रोग्राम को सेव कर लेते और रन कर लेते। अब देखो इसने मुझे एरर दिखाया कि बी वॉज नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, मतलब कि इस वाले फंक्शन के लिए हमने कोई भी बी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करा है। ओके, हमने बी जो डिक्लेयर किया था वो किया था रन फंक्शन के लिए, मतलब कि इस बी वेरिएबल का जो स्कोप है वो विद इन अ फंक्शन ही है, इस फंक्शन के बाहर हम बी वेरिएबल का यूज़ नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो, इसलिए हम उसे कहते हैं लोकल वेरिएबल। ओके, तो वहीं पे इस ए वेरिएबल का यूज़ मैं कहीं भी प्रोग्राम में कर सकता हूँ, राइट। मैंने इस फंक्शन में उसका यूज़ कर लिया है, अब मैं क्या करता हूँ इस इंटीजर मेन में भी उसका यूज़ कर लेते हैं। ओके, सी आउट ए, उसके बाद एंडल, आप सेव कर लेते और रन कर लेते। ओके, देखो 10 5 5 यानी कि इस ए का यूज़ यानी इस ग्लोबल वेरिएबल का यूज़ हम प्रोग्राम में कहीं पे भी कर सकते हैं। तो इस वेरिएबल का स्कोप क्या है, वो है पूरा का पूरा प्रोग्राम, राइट। ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ, लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स दोनों के नाम एक ही कर देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं। ओके, भले चाहे इन दोनों के नाम एक हो, बट ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स है, एक लोकल है इस फंक्शन के लिए और दूसरा ग्लोबल है जो पूरे प्रोग्राम में हम यूज़ कर पाएंगे। ओके, तो आप क्या करते हैं, मैं इस लाइन को रफ कर लेता हूँ। ओके, तो अब मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, सी आउट ए, ए की जो वैल्यू है मैंने डिस्प्ले करने की कोशिश करी है, तो क्या होगा देखते हैं। ओके, तो प्रोग्राम को सेव कर लेते और रन कर लेते। ओके, तो देखो 10 प्रिंट होके आ चुका है, राइट। ये 5 तो ये 5 है, राइट। ओके, मैं इसको रफ कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, अगेन सेव कर लेते और रन कर लेते। अब देखो 10 प्रिंट होके आ चुका है, मतलब कि यहाँ पे एक जो वैल्यू है उसने पहले लोकल वेरिएबल से ली, राइट, कंट्रोलर ने। अगर मैं ऐसे करता हूँ सी आउट ए, तो कंट्रोलर क्या समझता है कि मुझे लोकल वेरिएबल का यूज़ करना है, राइट। और अगर मैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज़ करूँ, अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, उसके बाद ए और उसके बाद कर देते एंडल। ओके, तो अगर मैं यूज़ करता हूँ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर का, तो कंट्रोलर समझ जाता है कि मुझे लोकल वेरिएबल नहीं, मुझे ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चाहिए। ओके, तो ये क्या करता है, ग्लोबल वेरिएबल की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले कर देता है। ओके, समझ में आ रहा है। आप क्या करते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेते और रन कर लेते। अब देखो 10 और 5 दोनों प्रिंट हो चुके हैं, मतलब कि जहाँ पे मैंने सी आउट सिर्फ ए किया था, तो क्या हुआ, लोकल वेरिएबल की जो वैल्यू है वो डिस्प्ले होकर आ गई। ओके, उसके बाद अगर लोकल एंड ग्लोबल दोनों वेरिएबल्स के नाम एक ही हो, ओके, और अगर मैं चाहता हूँ कि ग्लोबल वेरिएबल की जो वैल्यू है वो मैं डिस्प्ले करूँ, तो मुझे यूज़ करना होगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ओके, समझ में आ रहा है। तो उसके बाद क्या होगा, कंट्रोलर समझ जाएगा कि मुझे लोकल नहीं ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, तो वो ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को मेरे लिए डिस्प्ले करा देगा। ओके, तो समझ में आ रहा है लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल क्या है। लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो विद इन अ फंक्शन ही होता है, राइट, और ग्लोबल वेरिएबल का जो स्कोप है वो पूरा का पूरा प्रोग्राम है। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स क्या है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल अकाउंट को जरूर 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 दबा देना। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।